the strength of Eastern wisdom and Western scientific development finds the perfect blend in Indian cancer care. High-end radiological investigations like MRI scan coupled with PET scan for cancer staging gives an edge to the cancer treatment at Indian hospitals. Highly precise radiotherapy systems like TrueBeam Linear Accelerator give surgical confidence to the Indian doctors for carrying out the most difficult cancer treatments with excellent outcomes. Dr. J.S. Virk has been instrumental in carrying out limb salvage surgeries for bone cancer patients with the use of extracorporeal radiotherapy and cryotherapy at several Indian hospitals. Talking about recycled autographs. Recycled autographs का ये मतलब है कि जो cancer वाली हड्डी हमने operation के दौरान patient से safely निकाली है, उसी हड्डी को हम recycle या sterilize करके वापस जो है हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं. सो ये जो प्रोसीजर है ये एक ही सेटिंग में किया जाता है, मतलब इट इज़ अ सिंगल सर्जरी. अब रिसाइकलिंग या स्टरलाइज कैंसर वाली हड्डी को करने के काफ़ी टेक्निक्स होती हैं. उनमें से टू मेन टेक्निक्स जो हम इम्प्लॉय करते हैं ज़्यादातर, वो है ECRT, दैट इज़ एक्स्ट्रा कॉर्पोरेट रेडियोथेरेपी, एंड लिक्विड नाइट्रोजन और क्रायोथेरेपी. सो टॉकिंग अबाउट ECRT फर्स्ट, सो ECRT में जो हमने कैंसर वाली हड्डी ऑपरेशन के दौरान निकाली होती है, उसी हड्डी को हम स्टेराइल शीट्स में रैप करके वी सेंड इट टू द रेडिएशन फैसिलिटी. सो गुड कैंसर सेंटर्स यूजली हैव अ लाइनिंग फैसिलिटी या रेडिएशन फैसिलिटी विद इन देयर सेंटर. सो उस रेडिएशन फैसिलिटी में हम भेजते हैं, वहाँ पर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट गिव्स रेडिएशन टू दैट कैंसर बोन फॉर अबाउट हाफ एन आवर 35 मिनट्स. उसी हड्डी को दोबारा ऑपरेशन थिएटर में ट्रांसफर बैक कर दिया जाता है, एंड वी ट्रांसप्लांटेड और वी पुट इट बैक इन द पेशेंट. सो द एंटायर सर्जरी और द एंटायर प्रोसीजर विच इन्वॉल्व्स टेकिंग आउट द बोन, रिसाइकलिंग एंड पुटिंग इट बैक इज अ सिंगल सर्जरी एंड इज डन इन अ सिंगल सेटिंग. सेम गोज फॉर लिक्विड नाइट्रोजन और क्रायोथेरेपी. सो इन दिस टेक्निक एवरीथिंग इज डन विद इन द ऑपरेशन थिएटर, मतलब जो हमें बोन है वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर रेडिएशन फैसिलिटी में ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती एज इन ECRT. सो लिक्विड नाइट्रोजन जब हम हड्डी निकालते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही, वी हैव दिस केमिकल और वी हैव दिस लिक्विड, वी पोर इट इन टू स्टेराइल कंटेनर्स. सो उस कंटेनर के अंदर वी डिप दैट कैंसर बोन फॉर अबाउट 25 मिनट्स. After 25 minutes, we take that cancer bone out. उसको हम thaw करते हैं for another 10 to 15 minutes. Then we put it into a normal saline and or distilled water, and then we put it back in the patient. So this process also takes about 40-45 minutes, and is usually done in the same setting.